रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे आम भाषा में संधिवात कहते हैं या फिर कुछ लोग इसे आमवाद भी कहते हैं, बहुत ही परेशान करने वाली ये शिकायत होती है। पेशेंट को इसमें मूवमेंट जो है उनकी वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, उनके जॉइंट स्टिफ होने लगते हैं, चलने में उनको दिक्कत होने लगती है और इसमें दर्द जो है बहुत ज़्यादा रहता है, सीवियर पेन रहता है, सहन नहीं कर पाते पेशेंट। और इसके आगे की स्टेप यानी कि डिफॉर्मिटीज़ हो जाना, मतलब जॉइंट्स जो है मूवमेंट्स होने में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से वो इस तरह से हाथ भी नहीं कर पाते, और इसी वजह से ये सीवियरिटी बढ़ते जाती है, दर्द का प्रमाण बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ही परेशान हो जाता है, चिंतित होता है और फिर गलत गलत विचार भी दिमाग में आने लगते हैं। तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है क्या, इसके कारण क्या है, क्या इसके लक्षण है और क्या सटीक इसका इलाज आपने करना चाहिए ताकि इस बीमारी से आप पूरी तरह से ठीक हो सके, इन सभी बातों के ऊपर इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में आज बताने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, समझिए और इस इलाज को आप कर सकते हैं। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। ये आमवाद या जिसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, ये है क्या और ये क्यों होता है, ये सबसे पहले समझते हैं। यह एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है खुद की जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो खुद को ही दुश्मन समझने लगती है, हमारे बॉडी के सेल्स को ही वो दुश्मन समझती है और उसके ऊपर ही अटैक कर देती है। और इसी वजह से जो जॉइंट्स होते हैं इसमें हमको स्वेलिंग दिखती है। ये किसी भी प्रकार का बाहर का कोई इन्फेक्शन नहीं है, ना कोई वायरल इन्फेक्शन है, ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और यही कारण है कि बाहर की कोई मेडिसिन भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरदार साबित नहीं होती है। इसे पूरी तरह से इसीलिए स्पेसिफिक दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता है। तात्पुरता कुछ देर के लिए जब आप पेन किलर लेते हैं, दर्द थोड़ी देर के लिए कम होता है, लेकिन वापस से तकलीफ बढ़ जाती है, क्योंकि खुद के सेल्स ही खुद के साथ फाइट करना चालू कर देते हैं। इसमें होता क्या है, साइनोवियल फ्लूइड जो है हमारे जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड होता है, जो ऑयली लुब्रिकेंट होता है, लिक्विड होता है, वो और साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसमें ही सूजन आने लगती है, और जिसकी वजह से ये जॉइंट बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, दर्द वहाँ पे होने लगता है। अब समझते हैं कि इसमें तकलीफ क्या क्या रहती है, पेशेंट को क्या सिम्टम्स इसमें रह सकते हैं। तो मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठने के बाद में पूरे शरीर में एक अलग सा अकड़ावट, एक जकड़न सी महसूस होती है, पूरे जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, ये इसका पहला लक्षण होता है। ये बायलैटरल डिजीज होता है, यानी कि यहाँ पे अगर हुआ है, एक साइड में हुआ है, दूसरे साइड में भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। दोनों शरीर के दोनों साइड में, दोनों अंगों पर ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण है वो आपको दिख सकते हैं। तीसरा और मुख्य लक्षण जो इसमें होता है वो होता है इसका दर्द की सीवियरिटी। बहुत ज़्यादा दर्द पेशेंट को रहता है, बहुत सीवियर दर्द, सह नहीं पाते हैं पेशेंट। काफ़ी पेशेंट्स को मैं देखता हूँ, वो आते बराबर जैसे हम उनको हिस्ट्री लेते हैं, उनको जब पूछते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं, उनकी जीने की उम्मीद तक कम हो जाती है, क्योंकि दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। वो मूवमेंट जैसे ही करने लगते हैं उसमें भी बहुत दर्द रहता है, और उसमें भी सुबह सुबह जब वो नींद में से उठते हैं तो स्टिफनेस के साथ साथ दर्द बहुत उनको परेशान कर देता है। चौथा लक्षण जो इसमें दिखता है वो तो है सूजन, स्वेलिंग आना। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि साइनोवेल फ्लूइड और साइनोवेल मेम्ब्रेन, इस पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी जॉइंट पे आने लगती है। और एक इसमें जो हमको लक्षण दिखता है वो है फेवरिश फीलिंग। पेशेंट को हमेशा ऐसे लगता है कि मुझे कुछ तो भी बुखार है। काफ़ी पेशेंट्स कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे अंदरूनी बुखार है। और जब कोई डॉक्टर उनको कहता है कि अरे आपको ऊपर से तो कुछ नहीं लग रहा है, तो कहते डॉक्टर साहब ज़रा बारीकी से चेक करो, अंदरूनी बुखार है। सो ये फ्यूरिश फीलिंग जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स में पाई जाती है। उसी के साथ साथ पेशेंट को एक फटिगनेस रहता है, बहुत थक जाते हैं पेशेंट, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा भी चले तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वीकनेस उनको आने लगता है। और एक तकलीफ जो इसमें दिखती है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जल्दी जल्दी सांस लेना पेशेंट चालू कर देते हैं। उसी के साथ साथ जॉइंट पेन जो होता है वो शिफ्टिंग टाइप का होता है, एक जगह नहीं होता है। अगर आपको कोई इंजरी हो जाए, कुछ लग जाए, आपको समझो यहाँ लग गया तो यहीं दर्द होगा, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कभी दर्द यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी उंगलियों में होगा, कभी घुटने में होगा, दर्द एक जगह से लेके दूसरी जगह पे शिफ्ट होने लगता है। अब समझते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, क्या कॉज है इसका। तो इसका एग्जैक्ट एक ही कोई कारण आज तक मिला नहीं है, यही कारण की वजह से होता है ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये शुरुआत हो सकती है। कुछ पेशेंट में पाया जाता है कि ये हेरिडिटरी होता है,
मम्मी पापा को है तो बच्चे को भी कभी कभी हो सकता है, अनुवंशिकता इसमें देखी गई है। कभी कुछ आपको लगता है, कोई ट्रॉमा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, उसके बाद भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस बढ़ता हुआ देखा गया है। जो लोग कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। और एक मुख्य कारण जो इसमें होता है वो होता है इमोशनल डिस्ट्रेस। अगर कोई इमोशनल ट्रॉमा आपको होता है, कुछ स्ट्रेस आपकी लाइफ में रहता है, कोई प्रॉब्लम रहता है, कोई टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, कोई ऐसी घटना होती है जिसका आपके दिल के ऊपर असर हो जाए, बहुत इम्पैक्ट हो जाए, तो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस शुरू होता है। और ये पॉइंट जो होता है होम्योपैथी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जब आपकी हिस्ट्री लेते हैं तब ये सब चीज़ें आपसे पूछते हैं और क्या कारण है, उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट की जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी पेशेंट जो है पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जनरली लोग पूछते हैं, बहुत दिनों से ये परेशान रहते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये सही में परमानेंटली ठीक हो सकता है? तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा, डेफिनेटली पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मैंने काफ़ी पेशेंट्स अच्छे किए हैं, लेकिन इसमें पूरी हिस्ट्री लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक कारण देखा गया है, अगर आपको कोई गलत आदत है, आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उससे भी ये तकलीफें बढ़ सकती है। अब सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपको ये शिकायत हो चुकी है, तो आपको पता कैसे चलेगा? आप एक ब्लड टेस्ट करेंगे जिसे कहते हैं आर ए फैक्टर चेक करना। अगर आर ए फैक्टर पॉजिटिव है, इसका मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो क्या प्रिवेंशन आपने लेना चाहिए, क्या केयर खुद की लेना चाहिए, क्या आपने करना चाहिए और किस प्रकार की आपने ट्रीटमेंट करना चाहिए, आप खुद मेडिसिन के साथ साथ क्या कर सकते हैं जिससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो तकलीफ है, जो इसका दर्द है, वो कम हो जाए। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो है एक्सरसाइज चालू कीजिए। फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, नहीं कुछ तो योगा शुरू कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ऐसा समझिए कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट। आपके ट्रीटमेंट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको रोज कम से कम 40 मिनट तक योगा करना चाहिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट काम करना है आपको वो है हेल्दी डाइट। खानपान की तरफ ध्यान दीजिए, मसाले की चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें पूरी तरह से बंद कीजिए। खाने में फाइबर्स होना चाहिए, खाने में फ्रूट्स होना चाहिए, फ्रेश और ताज़ा ही आपने खाना है, घर का बना खाना ही खाना है, बाहर की कोई चीज़ आपने नहीं खाना है। उसी के साथ साथ मसाले की चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें भी बंद कर दीजिए। तीसरा उपाय जो आपको करना है, अगर आप ओवरवेट है तो आपको आपके वेट को मेंटेन करना है, वेट का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चौथा काम जो आपको करना है वो है, अगर आपको कोई बैड हैबिट है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तुरंत बंद कर दीजिए। अब सवाल उठता है कि इसमें ट्रीटमेंट क्या लेनी चाहिए। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है पेन किलर खाते रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि आपको पेन किलर ज़्यादा नहीं खाने हैं। मैं समझ सकता हूँ कि दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पेन किलर ये स्थायी इलाज नहीं है। उस दिन के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इससे क्या होगा, आप अगर बार बार पेन किलर लेते जाओगे तो आपके किडनीज़ के ऊपर भी इसका बुरा असर हो सकता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा होम्योपैथी की ट्रीटमेंट आप कीजिए। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिंस है, जैसे मेडोरिनम है, कैल्किरिया है, कॉल्चिकम है, रस्टॉक्स है, ब्रायनिया है, एक्टिया स्पाइकेटा है, कॉस्टिकम है, कोलोफाइलम है, ऐसी काफ़ी मेडिसिंस है जो आपको इस तकलीफ से पूरी तरह से ठीक कर सकती है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, ये क्रॉनिक बीमारी है, पुरानी बीमारी है, काफ़ी दिन तक चलने वाली है। इसीलिए कोई भी मेडिसिन खुद के दिल से नहीं लेनी है, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है, आप फ़ोन कीजिए, हम आपकी हिस्ट्री लेंगे, उस हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे। आपकी पूरी तरह से स्टडी करने के बाद, आपके इमोशंस की स्टडी करने के बाद, आपके माइंड की स्टडी करने के बाद, आपके शरीर की स्टडी करने के बाद फिर आपको दवाई दी जाती है। और याद रखिए, होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, इसलिए होम्योपैथी लीजिए और निराश न होते हुए होपफुली इसकी ट्रीटमेंट कीजिए। ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।